सर आप देख रहे हैं द रॉयल ट्रेडर। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गणेश है, मैं कर्नाटका में रहता हूँ। मैंने अभी सेकंड क्यू खत्म किया है। मैंने इस चैनल का नाम रॉयल ट्रेडर इसलिए रखा है क्योंकि इस पे जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी कंटेंट आएगा, सभी रॉयल एनफील्ड के रिलेटेड ही होगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ग्रिल सेट, चलिए इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर भी और एक बॉक्स है, चलिए इसे भी खोलते हैं। इसका पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से है, तो होप सो इसका प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। ये है हमारा ग्रिल सेट, ये हमारे पार्किंग लेट है, चलिए इसे साइड में रखते हैं। और ये इंडिकेटर्स हैं, इसे भी साइड में रखते हैं। पहले इसे खोलते हैं। तो ये हमारा रॉयल इनफील्ड एलेक्ट्रा BA6 का टेल लाइट का ग्रिल सेट। ये हमारा हेडलाइट गार्ड है, तो चलिए आप इसे खोलते हैं। तो ये इसके स्क्रूज हैं और ये हमारे चारों इंडिकेटर्स के गार्ड्स। तो चलिए अब इसे खोलते हैं। ये हमारे पार्किंग लाइट्स के ग्रिल्स, जिसे टाइगर लाइट भी बोलते हैं। ग्रिल सेट मंगाया है, ये पूरा मेटल का है। मैंने इसे अमेज़न से मंगाया था और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये जो है इलेक्ट्रा के लिए है, जो इसका टेल लाइट ऐसा आता है, जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया था। तो इस मेटल वाले में ही दो वेरिएंट आते हैं, मैं उन दोनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और क्लासिक का चाहिए तो क्लासिक का भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और प्लास्टिक में भी आते हैं, पर प्लास्टिक का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, प्लास्टिक का अच्छा नहीं आएगा। और देखने में तो हैवी लग रहा है, पर गाड़ी पे कैसे दिखेगा चलिए इंस्टॉलेशन के बाद देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं उसको इंस्टॉल करने। तो बाहर जाने से पहले मास्क लगाना कभी मत भूलना, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। तो चलिए मास्क डालते हैं और बाहर चलते हैं। तो ये हमारा ग्रिल सेट लग चुका है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे लगता है। Shadow to my light, did you feel another star? तो ये ग्रिल सेट जो है, जो इसे लगाना बहुत ही आसान है। ये इंडिकेटर का तो सिर्फ आपको स्क्रू निकालना पड़ता है और इसे डाल के वापस इसके 7 स्क्रूज आते हैं, वो स्क्रू डालना पड़ता है। और जो हेडलाइट है, इसे थोड़ा नंबर प्लेट को नीचे करना पड़ता है और हेडलाइट के स्क्रूज को लूज करना पड़ता है, और उसके बाद इसे लगाने के बाद टाइट करना पड़ता है। इलेक्ट्रा के ग्रिल सेट में जो मेन प्रॉब्लम आता है वो टेल लाइट पे ही आता है, क्योंकि टेल लाइट लगाने के लिए दो होल्स मारने पड़ते हैं। ये दो होल्स जो है, इसे ग्रिल मारना पड़ता है, उसके बाद जो है आसान है। सिर्फ इसे डाल के जो है, अगर नट टाइट कर देते हैं तो ये फिट हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। I love everything.
fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही मेरा फर्स्ट वीडियो है, वीडियो अच्छा नहीं हुआ होगा, पर मैं ट्राई करता रहूँगा अच्छा करने के लिए। और जो भी आपको सजेशन देना है या जो भी एडवाइस देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और ये भी मुझे बताना कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या किस एसेसरीज के बारे में मैं वीडियो करूँ, मतलब किस रॉयल एनफील्ड एसेसरी के बारे में मैं वीडियो करूँ। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।